पुलिस द्वारा आभूषण की चोरी करने वाले 5 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। थाना सिगरा एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गांधीनगर सोनिया थाना क्षेत्र के सिंगरामऊ में घर के अंदर अलमारी का लॉकर तोड़कर 18 लाख रुपए के आभूषण की चोरी करने वाले 5 अभियुक्तों को थाना बरादरी क्षेत्र जनपद बरेली से किया गया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हुआ। और विद्यालय में संगीत की शिक्षिका भी है। उनके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट से दोपहर के समय चोरी की घटना हुई और उस घटना में काफ़ी लंबा अमाउंट उनका लगभग 20 लाख के आसपास मूल्य था। टोटल जैसा कि उन्होंने बताया था माल चोरी गया था, इसमें कैश नहीं था, सोने नहीं था और ये लगभग बिल्कुल ब्लाइंड केस था और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई लिंक नहीं था, कोई नहीं था और जब इसका खुलासा हुआ है कि निश्चित तौर पर ये जो गैंग है ये राष्ट्रीय स्तर का गैंग निकला है और बहुत ही बरेली का साथी गैंग है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें 4 वो साथी अपराधी हैं जो घटना में संलिप्त रहे थे, 5वां वो सुनार है जिसने माल को गलाने का काम किया। इसमें तरीका इनका ये रहा कि ये बरेली से चलते हैं चारों लोग, एक नेक्सान कार इनके पास है टाटा नेक्सान जिसका रियल ओरिजिनल नंबर UP78FU932 ये था। इन्होंने बहुत बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से ओलेक्स पर देखा कि टाटा के इस नेक्सान के इस मेक और मॉडल कितनी गाड़ियां हैं जो बाज़ार में बिकने के लिए हैं, उस आधार पर उन्होंने सेम कलर सेम मेक सेम मॉडल की गाड़ियों के नंबर लिए और उन नंबरों की नंबर प्लेट तैयार करके 5 नंबर प्लेट अपनी गाड़ी में रखी ताकि अगर कहीं नंबर प्लेट के आधार पर CCTV कैमरों की मदद से इनकी पहचान का प्रयास किया जाए तो विफल हो जाए। बरेली से चलने के बाद लखनऊ पहुँचते पहुँचते इन्होंने अपनी नंबर प्लेट एक चेंज की और फिर इलाहाबाद में आकर के रात को रुके और 31 मार्च में ये बनारस में आए और रास्ते में बनारस आने पर इन्होंने UP32 नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया और उसी के द्वारा ये बनारस में सबसे पहले क्राइम थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी में गए। बिल्कुल अटरेंडम पहली बार बनारस आए, पहली बार इन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया। इनमें से स्मार्ट टाइप के लड़के हैं, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखते हैं, उसमें बड़े इतमान से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर घुस जाते हैं। जहाँ कहीं नए आमने सामने बंद दिखते हैं नीचे आकर सूचना देते हैं, पूरी टीम ऊपर जाती है और 10 से 15 मिनट के भीतर ताला तोड़ करके सारा घर निकाल के संपत्ति जो भी है वैल्यूएबल उसको निकाल देते हैं। तो इनको यहाँ पे बहुत बात समझ में नहीं आई, कैंट क्षेत्र में सिगरा क्षेत्र में पहुँचे और गांधीनगर कॉलोनी में गए। दुर्भाग्य से फर्स्ट फ्लोर से जहाँ मैडम का आवास है उसके सामने का फ्लैट भी बंद था तो इनमें से एक व्यक्ति जो विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।